The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Now, we have already talked about benzene. हमने पिछले वीडियो में आपको बेंजीन के बारे में बताया था. आज हम बताने वाले हैं कि ये खतरनाक कैंसरस सब्सटेंस आप कैसे, आप जितने भी लोग फूड हैंडल करते हैं, जो खाना बनाते हैं, खाना बेचते हैं, इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, फूड प्रोसेस करते हैं, उनका कोई प्रोडक्ट है जिसमें फूड प्रोसेसिंग होती है, आप चाहते हैं दुनिया को बचाना, अपने बच्चों को बचाना, आप ही के प्रोडक्ट आपके बच्चे खा रहे हैं जिसमें बेंजीन बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसके लिए आप ये लास्ट वीडियो ज़रूर देखें जिसका हम ये ऊपर आई में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या आप बेंजीन बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करके ढूंढ लेना, वो भी मिल जाएगा, नो बिग डील. देन क्या करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना है बेंजीन फॉर्मेशन इन बेवरेजेस, खाने पीने की चीज़ें, और उसमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको फ्रेश अच्छा वाटर लेना होगा, रॉ वाटर जो कंटैमिनेट ना हो. कंटैमिनेट हो जाता है इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट से, इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट से और धूल मिट्टी से, जो गैसेस पेट्रोलियम निकलता है, जो हमारे सर्विस स्टेशन से ऑयल निकाल के फेंक देते हैं, वो नालियां जाके पानी में मिलती हैं, इन सब से पोल्यूशन होता है, इन सब से प्रॉब्लम होता है. सो वेस्ट डिस्पोजल का एक सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट ने, और आपको भी समझना चाहिए कि आप अपना वेस्ट कहाँ फेंक रहे हो, राइट, कहाँ डाल रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरी, ऊपर से लेके नीचे तक, इंडस्ट्री से लेके एक छोटे से सब्जी बेचने वाले तक का रोल है इसमें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर शक्कर, शुगर जो है वो बेंजीन का प्रोडक्शन कम करती है. तो अगर कभी आप कोई ऐसी चीज़ें लेते हो जो बाहर से है तो शुगर डाली हुई चल जाएगी, एक शुगर फ्री वाली चीज़ रेगुलरली लेना सही नहीं है, क्योंकि शुगर फ्री या वो चीज़ आपका बेंजीन का प्रोडक्शन इनिबिट नहीं करती है. तो गरम एनवायरनमेंट में, लाइट में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेंजीन उन सारे ड्रिंक्स में बन जाएगा. तो शुगर बेस्ड ड्रिंक्स लो या शुगर लेस ड्रिंक्स लो, शुगर फ्री वाली ड्रिंक्स ना लें, शुगर फ्री घर में यूज़ करें, दैट इज़ नॉट एन इशू, राइट. उसके बारे में मेरा वीडियो है, शुगर फ्री सेफ होता है, रिमेंबर दैट, बट टेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो शुगर फ्री की गलती नहीं है कि उसमें बेंजीन बन गया, उसमें गलती यह है कि शुगर फ्री इनिबिट नहीं करता है, शुगर इनिबिट करता है बेंजीन का प्रोडक्शन, कैसे उसके लिए लास्ट वीडियो देखना है, राइट. और लाइट एंड डाइट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो, जैसे हमने कहा, डाइट प्रोडक्ट्स में ज़्यादा बेंजीन बन जाता है, और जिन प्रोडक्ट्स में एस्कॉर्बिक एसिड और बेंजोइक एसिड एक साथ है, नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि जूसेस, उनमें या फ्रूट जूसेस जो पैक्ड होते हैं, वो उनमें बेंजीन प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए उनको फ्रेश खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ना रखें. कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में मिलता है, उसमें भी कंटामिनेशन हो जाता है, और बेंजीन पाया गया है, जो कार्बो गैस यूज़ होती है ना, जो सोडा में डालने के लिए उसमें, सो वो भी एक अच्छी कंपनी का, और अच्छी कंपनी को अपने सोर्सेस को अच्छे से देख लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर खाने पीने की एसिडिटी लो हो, एस्कॉर्बिक, तो एसिडिटी लो होता है बहुत ज़्यादा, तब एस्कॉर्बिक एसिड और बेंजोइल सोडियम बेंजोएट से बेंजीन प्रोडक्शन कम हो जाता है. तो बहुत ज़्यादा कम एसिड वाला या हाई एसिडिटी, ज़्यादा एसिडिटी लो वाला जो होता है वो फिर भी थोड़ा चल जाएगा. कलरिंग एजेंट्स जो होते हैं उनमें भी एस्कॉर्बेट्स होते हैं, और उसमें भी आपका रिस्क बढ़ जाता है. तो आर्टिफिशियल कलर्स भी ख़राब होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स को भी मिनिमम यूज़ करना चाहिए, या ना यूज़ करें कोई दिक्कत नहीं है. और आपको कंसिडर करिए जितने भी बेंजोएट्स हैं, सोडियम बेंजोएट्स हैं, उनको जिन जिन प्रोडक्ट्स में आपकी कंपनी या आप जो जो प्रोडक्ट्स ले रहे हो उसमें 211 वाला जो E211 सोडियम बेंजोएट का प्रिजर्वेटिव है, वो या तो अवॉइड करें, राइट, उन चीज़ों को, या कंपनीज ही उस चीज़ को रिप्लेस करें दूसरे प्रिजर्वेटिव से. और भी प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि आपके फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करेगा, जो कि लेस हार्मफुल है एज सच, लेकिन अल्टीमेटली लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए और ऑप्शन, बेटर ऑप्शन अभी और ढूंढे जा रहे हैं. सो बी यू नो इन लाइन विद दैट, और अच्छे ऑप्शन यूज़ करिए ताकि आप दुनिया को सही प्रोडक्ट बेच पाएँ. इज़ अ मैसेज फॉर द फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, राइट. एस्कॉर्बेट्स को भी, एस्कॉर्बिक एसिड को भी आप कम यूज़ करें इस चीज़ में. और प्रोडक्ट का स्टोरेज कंडीशंस को भी समझें, स्ट्रॉन्ग लाइट, हाई टेम्परेचर में फ्री रेडिकल्स, बेंजीन, चाहे बेंजीन बने ना बने, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, सो रिमेंबर वो अच्छा नहीं है. सो कोई भी चीज़, इवन खाने को अगर आप धूप में छोड़ दोगे, अपने पके हुए खाने, थोड़ी देर में ख़राब हो जाएगा. सो एक, चाहे बोतल में आपका प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ चीज़ हो, वो पड़ी हो,
ट्रकों में जा रहा है, बसों में जा रहा है, ट्रकों में कोल्ड ड्रिंक को देखा है, धूपों में घूमती है, उसमें कितना कुछ बन जाता होगा अंदर, ये सोचो। और फिर सोचो हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं हर रोज़ हर दिन, या जब भी छुट्टी पे जाते हैं, जब भी मैकडी जाते हैं, जब भी वहाँ जाते हैं। सो इट्स वेरी बिग, राइट। और खाने पीने में जो पानी यूज़ होता है उसमें भी ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, या वो कॉपर आयरन, वो कैटालाइज कराते हैं इन रिएक्शन को, स्कॉर्बिक एसिड बेंजीन, तो उसको कम करें। उसको चिलेशन एजेंट जैसे EDTA, सोडियम पॉलीफॉस्फेट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे बेंजीन फॉर्मेशन कम होगा। सो EDTA वाले चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें बेंजीन फॉर्मेशन कम होगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके बेंजीन इनटेक को, जो ओरल इनटेक है जो 1% से भी कम है, उसको कम रखने के लिए। लेकिन जो मेजर चीज़ आपको करनी है वो है आपके इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करना आप ही के हाथ में है। सही टाइम पे अपने कार का आप सर्विसिंग कराएं, सही पेट्रोल डालें, डीजल या जो भी चीज़ डलती है, राइट। और उल्टे सीधे कैरोसिन वाली चीज़ें ना चलाएं, उल्टे सीधे मिट्टी के तेल ना डालें। जो लोग मात्र थोड़ा पैसे बचाने के लिए, सारी दुनिया की ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है ये बेंजीन, राइट। इतना 99% आपके शरीर में जो बेंजीन जा रहा है सूंघने से जा रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से जा रहा है। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करें। इस वीडियो को छोटे से छोटे ऑटो रिक्शे वाले के पास भेजें, छोटे से छोटे छोटे रिक्शा वाले के पास भेजें। बेंजीन से लोगों को कैंसर हो रहा है, लंबे समय में बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों को कैंसर होगा, ब्लड कैंसर, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, दिमाग सब पे असर होता है। आपका परफॉर्मेंस कम होता है, आपका DNA तक ख़राब होता है, जबकि लंबे समय में आपके क्रोमोसोम्स ख़राब हो गए, आपके बच्चे उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं जिएंगे, उनकी टोटल लाइफ स्पैन कम होगी। क्या चंद रुपए, क्या चंद पोल्यूशन इस चीज़ के लिए आपको, आपके ज़मीर को नहीं झिझोड़ता कि नहीं भाई चलेगा, दो पैसे कम कमा लेंगे लेकिन गलत चीज़ नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। ये चीज़ है जो बोलते हैं ना, करे का फल मिलता है, जो इधर किया उसको यही भोगना है। ये इंसान एक दूसरे के साथ जब मिलजुल के काम नहीं करता ना, तो ये होता है। आपको मिलजुल के देखना है कि हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रोल है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कृपया इन चीज़ों के बारे में सोचें, राइट। चाइना में जो एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स लगे हैं वो लगाएं। सिर्फ वर्टिकल गार्डन लगा देने से नहीं होगा, उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा, कभी मेंटेन नहीं होते हैं। जो होते हैं साल भर बाद जब इंस्पेक्शन का टाइम होता है फिर खड़े हो जाते हैं। काम चलाऊ चीज़ नहीं करना है, काम चलाऊ करोगे तो सिर्फ काम ही चलेगा, फिर डॉक्टरों के पास आओगे, फिर बीमार होगे, आप नहीं आपके बच्चों की बात है। चाहे डॉक्टरों के पास मत आओ लेकिन इस चीज़ को ध्यान दो, ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। छोटी सी छोटी चीज़ जो आप कर सकते हो मैटर करती है। जब आप ये सोच लेते हो कि ये मेरा काम नहीं है, कोई और कर लेगा, कोई और बचा लेगा, तब आप गलत हो। तो कृपया इसको अपने हाथ में लें। अपने हाथ में इतना तो है कि वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करोगे तो YouTube लोगों को दिखाएगा। ये कॉन्सेप्ट है YouTube का, जितना लाइक उतने लोगों को दिखाया जाता है, उतना रिकमेंड किया जाता है। उल्टे सीधे लोगों के बारे में अनाप शनाप वाले चीज़ें, किसी का क्रिंज हो रहा है, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है, कभी TikTok के बारे में वीडियो देख रहे हो, कभी हंसी मजाक देख रहे हो, ठीक है, बट ये देखो क्या हो रहा है दुनिया में। इसके बारे में पता था आपको, नहीं पता था तो शेयर करो इसको भी, और बेंजीन वाले वीडियो को भी। फूड प्रिजर्वेटिव पे एक डिटेल वीडियो हम डालेंगे मेन चैनल पे, उसको ज़रूर जाके देखना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।